तीन सालों की मेहनत के बाद फाइनली ये फिल्म रिलीज हो रही है, सो आप क्या कुछ फीलिंग है जब कि फिल्म की डेट आ गई, फिल्म की रिलीज डेट आ चुकी है? नहीं, वो ऐसा ही है कि बच्चे बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करो और आखिरी दिन उसका विदाई का दिन आ जाए। तो इस फिल्म के साथ मैं जिया हूँ, आई हैव लिव्ड विद दिस फिल्म। तीन साल तक ऐसा लगा जैसे शास्त्री जी हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं और हम उनकी मृत्यु से छुपे रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करते रहे, और उससे भी ज़्यादा कि किस तरह से इस देश में सत्य की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस, RTIs फाइल करके, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स पढ़ के, रिसर्च करके, लोगों से बातचीत करके, जो जर्नलिस्ट उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन लोगों से मिल के, ये सब करके कैसे ये सब किया जाता है। और ये सब करने के बाद अब ये फिल्म तैयार है, तमाम सवालों के जवाब हैं, कुछ सवाल और नए उठेंगे और ये लोगों के सामने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री आएगी जो कि किसी और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड मर्डर मिस्ट्री है। तो आई फील वेरी रिलीव्ड एंड सेटिस्फाइड।